देखिए ये भी प्रश्न आता है कि वहाँ पर फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट्स कितने में बिक रहा है ये कैसे जाने, राइट? हम हमारा रिसर्च कैसे करें कि फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट ये प्राइस में बिक रहा है, ताकि हमको पता चल पाए कि आगे कैसे बढ़ना है, राइट? तो दोस्तों इसके कुछ वेज़ है, राइट? जहाँ पर आप फॉरेन कंट्री के प्राइस चेक कर सकते हो कि यहाँ पर इतने में बिक रहा है ये चीज़। अभी कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट है जैसे कि श्रीलंका, राइट? उसमें आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर प्रोडक्ट्स कितने रेट में बिक रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है। तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा कि आप गूगल में सर्च करें कि फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ पर ई कॉमर्स की कौन सी वेबसाइट्स है। जैसे यहाँ पर कैसे होता है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, राइट? वैसे फॉरेन कंट्री में भी होगा ई कॉमर्स का वेबसाइट, राइट? तो आप जस्ट गूगल में, जैसे मान लीजिए कि आपको फॉरेन कंट्री में ये जानना है कि यहाँ पर जो है ड्रमस्टिक कितने में बिक रहा है, तो आपको सर्च ऐसा करना पड़ेगा बाई ड्रमस्टिक फ्रॉम ओमान, अगर आपको ओमान का ढूंढना है, राइट? बाई ड्रमस्टिक फ्रॉम कतार, तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पर कितने में बिक रहा है, क्योंकि आपने बाई लिखा, ठीक है? तो कंप्यूटर ढूंढ के बता देगा जो सेल करना चाह रहा है, तो वहाँ पर आप सेलर की डिटेल्स प्राप्त कर पाओगे और आपको प्राइसिंग जो है कुछ हद तक आपको मिलेगा। फिर अब वहाँ के जो सेलर्स मिल रहे हैं आपको, राइट, वहाँ पे जो स्टोर्स है, राइट, वहाँ पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं बाई ईमेल या बाई कॉल या व्हाट्सएप, राइट, कि इस प्रोडक्ट्स का क्या रेट्स है, और वो भी आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो ये भी एक तरीका है। फिर आपके पास ट्रेड मैप का ऑप्शन तो है ही, जैसे ट्रेड मैप में आप ट्रेड इंडिकेटर्स में सर्च करते हो, उसमें आता है कि पर टन के हिसाब से इतनी वैल्यू में ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो तकरीबन आपको भी, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जज करनी है, तो वहाँ से आप जजमेंट ले भी कुछ हद तक ले सकते हो। जैसे आप पेड डेटा का वेबसाइट है बहुत सारा, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा सर्च करोगे, यू विल फाइंड मैनी 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 ऑफ द वेबसाइट। वहाँ से आप सैम्पल भी ले सकते हो, बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारा आपको सैम्पल देती है लेटेस्ट, उसमें से भी आपको एक अंदाज़ा आता है कि नहीं ये भाव में वहाँ पर बिक रहा है या ये भाव में ये चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट? तो ये कुछ वेज़ है जिससे आप पता कर सकते हो। फिर बहुत सारी ऐसी भी कंपनियाँ होती है जिसका फेसबुक पेज है, जो रोज़ के आपको भाव बताती है कि आज का मार्केट का रेट ये है इस प्रोडक्ट्स को लेके, आज का कॉमोडिटी का ये भाव है, राइट? तो वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स का वहाँ पर जो है भाव इतने में बिक रहा है। सो आप जब अलग अलग तरीके से एफर्ट्स लगाओगे, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि नहीं ये प्रोडक्ट्स का इस कंट्री में ये भाव में बिक रहा है। फिर अब उसका प्राइस देख के बहुत उत्साही मत हो जाना, राइट? क्योंकि अभी आपको ये आपका रिसर्च अधूरा है कि ठीक है आपने ये फाइंड कर लिया कि इतने में बिक रहा है। फिर अब ये भी चेक करो कि वहाँ पर खर्चे कितने लगते हैं, राइट? जैसे कि वहाँ का इम्पोर्ट ड्यूटी कितना है, राइट, ये चेक करो। वहाँ पर उसको स्टोरेज में रखना पड़ेगा तो उसका कितना चार्ज लगेगा, वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस का कितना चार्ज लगेगा, राइट? फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा, क्योंकि वो भी महंगा होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या रहेगा। ये भी आपको एक रिसर्च की बात आती है, एनालिसिस की बात आती है, ये भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि राइट एग्जैक्टली प्रॉफिटेबिलिटी इस प्रोडक्ट में इतनी बचती है, राइट? सो व्हेन यू वांट टू डू दी ओवरसीज कॉस्टिंग, राइट, तो उसके बारे में भी आपको चीज़ जो है यू नीड टू डू द डीप रिसर्च फॉर द सेम, राइट? सो फाइन, आई होप के दिस वीडियो वुड बी यूजफुल टू गेट एटलीस्ट एन बेसिक आइडिया, राइट, दैट हाउ यू कैन गेट, राइट, द प्राइसेस ऑफ द ओवरसीज।